तो इस सेशन का नाम है कविता के बहाने, और आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ पर अब कविता पाठ होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा पवन कुमार जी से कि आप माइक थामे, और पवन कुमार जी के बारे में आपको बताऊं कि कवि हैं, आईएएस ऑफिसर, निदेशक ग्रामीण विकास भारत सरकार, पेशे से आईएएस ऑफिसर है और मिजाज से शायर है। लेखक पवन कुमार अपनी शायरी में आपको नए सफर कराते हैं, अदबी लिहाज से उन्होंने उर्दू को करीने से अपनी शायरी में परोसा है, तो हिंदी को भी आहिस्ता बरता है, वाबस्ता के हवाले से वो शायरी करते हैं, नई बुनियाद रखते हैं तो आहटे से उन पर घरौंदा बनाते हैं। इस बीच दस्तक चराग पलकों पर से होते हुए वो मैं हनुमान जैसी औपन्यासिक कृति के साथ भी पाठकों के समक्ष आते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पवन कुमार जी का। पवन जी, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो आभार साहित्य आज तक का कि जिन्होंने इतने करीने से ये आयोजन किया है, और इसलिए भी आभार कि हम सबको आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया है। इस कार्यक्रम का फॉर्मेट मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किस तरीके से बहुत अनौपचारिक रूप से बुला लिया गया बगैर फॉर्मेट को बताए, तो मुझे लगता है सिर्फ कविताएं ही पढ़नी है या और भी कुछ? सिर्फ कविताएं। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय आलोक यादव जी का, आदरणीय निदेशक कुमार सर का और हमारे संगीत रागी सर का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, इंक्लूडिंग माय एंकर। ये गजल के सफर की बात है। हम लोग प्रशासन में हैं और बहुत सारे काम ऐसे करते रहते हैं जो कई बारी हम नहीं बता पाते गजलों के माध्यम से, कनाये के तरीके से, एक सिंबल के मार्फत आप सब तक को भेजते रहते हैं। और ये बात मेरे नितेश कुमार सर जो बड़े सीनियर सर हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं और आप लोग तक पहुंचे मेरी बात। मैं शुरू यहां से करता हूं कि आता ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, आता ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, सीखेगा कहां से वो संवरने का सलीका। क्या बात है। आता ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, सीखेगा कहां से वो संवरने का सलीका। ऐ चांद बता तूने ये सीखा है कहां से, ऐ चांद बता तूने ये सीखा है कहां से, रातों में दबे पांव गुजरने का सलीका। क्या बात है। ओम निश्चल जी बैठे हुए हैं, बहुत ही मर्मज्ञ व्यक्ति हैं साहित्य के। वहां तक मेरी बात पहुंची है कि आता ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, सीखेगा कहां से वो संवरने का सलीका। ऐ चांद बता तूने ये सीखा है कहां से, रातों में दबे पांव गुजरने का सलीका, और दिल है नया तैराक अभी सीख रहा है, दिल है नया तैराक अभी सीख रहा है, सूखी हुई नदियों में उतरने का सलीका। आता ही नहीं, मैं समझ गया कि यहाँ पे वो सब पढ़ा जा सकता है जो अमूमन हम लोग बाहर नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये ऐसा वंश है जहाँ बहुत ही जो बहुत डीप थॉट के साथ लोग आते हैं। तो मैं आलोक भाई और कोशिश करता हूँ, कहता हूं कि धूप में नहाए थे रोशनी के पहरे थे, धूप में नहाए थे रोशनी के पहरे थे, फिर भी इन दरख्तों के साए कितने गहरे थे। क्या बात है। कि धूप में नहाए थे रोशनी के पहरे थे, फिर भी इन दरख्तों के साए कितने गहरे थे, और देखता रहा मुझको आईना भी हैरत से, देखता रहा मुझको आईना भी हैरत से, आज मेरे चेहरे पे जज्ब कितने चेहरे थे। क्या बात। देखता रहा मुझको आईना भी हैरत से, आज मेरे चेहरे पे जज्ब कितने चेहरे थे। और ये शेर आप सबकी नजर करता हूं कि आज मेरे चेहरे पे जज्ब कितने चेहरे थे, और इन दिनों तो खुशियों के रंग भी हैं अपसुरता। जो मेरे साथी बच्चे यंगस्टर्स हैं, अपसुरता का मतलब फेड होना, किसी कलर का फेड होना, कि इन दिनों तो खुशियों के रंग भी है अपसुरता, उन दिनों उदासी के रंग भी सुनहरे थे। क्या बात है, बहुत अच्छा। कि देखता रहा मुझको आईना भी हैरत से, आज मेरे चेहरे पे जज्ब कितने चेहरे थे, और इन दिनों तो खुशियों के रंग भी हैं अपसुरता, उन दिनों उदासी के रंग भी सुनहरे थे। और सर ये शेर हम जैसे लोगों के लिए कि मैं वो एक शहजादा जिसकी एक हवेली थी, हम लोग जिस प्रोफेशन में है कि मैं वो एक शहजादा जिसकी एक हवेली थी, और उस हवेली के चार सिमत पहरे थे। क्या बात।
मैं वो एक शहजादा जिसकी एक हवेली थी और उस हवेली के चार शिम्त पहरे थे, धूप में नहाए थे, रोशनी के पहरे थे, फिर भी इन दरख्तों के साए कितने गहरे थे। और एक गजल और आपको पेश करता हूं, उसके बाद आपकी सहमत तमाम। कहता हूं कि किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, क्या बात, बहुत शुक्रिया आप तक पहुंची, कि किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे, क्या बात है, क्या बात, किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे, और कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला करना, कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला करना, यहाँ तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे, क्या बात है, क्या बात, कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला करना, यहाँ तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे, और उसे भी वक्त कभी आईना दिखाएगा, उसे भी वक्त कभी आईना दिखाएगा, वो आज खुश है बहुत आईना दिखा के मुझे, आहा क्या बात है, उसे भी वक्त कभी आईना दिखाएगा, वो आज खुश है बहुत आईना दिखा के मुझे। और ये शेर बतौर खास कि वो उसे भी वक्त कभी आईना दिखाएगा, वो आज खुश है बहुत आईना दिखा के मुझे, और उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, वही जो छोड़ गया चाक पे घुमा के मुझे, क्या बात है, किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के, बहुत शुक्रिया आप तक चलते चलते आवाज तक पहुंच गई। और एक शब्द होता है आलोक भाई, तो अपने आप में उसका कोई बहुत मानी तो नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द के साथ अगर पहले और या बाद में जुड़ जाए तो उसके मानी ढेर सारे निकलते हैं। तो दो एक शेर और उसके साथ फिर आप, कहता हूं कि उसी पे मुनहसर है फैसला तो, डिपेंड होना कि उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, क्या बात है, उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, है मंजिल की तलब में काफिला तो, है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो, क्या बात है, है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो, यकीनन हिचकियां हमको भी आती, यकीनन हिचकियां हमको भी आती, हमारी याद में वो जागता तो, क्या बात है। ये बस तो के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं जो मैंने आपके सामने परोसे हैं, रखे हैं, क्या बात, बहुत खूबसूरत, उसी की यकीनन हिचकियां हमको भी आती, हमारी याद में वो जागता तो, और दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, कसक ये है पलट कर देखता तो, वाह 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 क्या बात है, कसक ये है पलट कर देखता तो, क्या बात, मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, जिसकी कोई शेप नहीं होती है, मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, मुझे सांचे में कोई ढालता तो, क्या बात है, मुझे सांचे में कोई ढालता तो, और है जिसका साथ मंजिल की जमानत, शेर देखिएगा कि है जिसका साथ मंजिल की जमानत, वही रास्ते में कह दे अलविदा तो, उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बहुत शानदार, और पढ़ सकता हूं, बिल्कुल सर आप पढ़ सकते हैं, लगता था कि चलिए अगर आपने ऐसा कहा है तो। कहता हूं कि एक नई सी गजल आपके सामने, कि जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था, जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था, हमारी प्यास ज्यादा थी पानी थोड़ा था, क्या बात है, आहा बहुत बढ़िया, जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था, हमारी प्यास ज्यादा थी पानी थोड़ा था, और फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब थी, फिर इसके बाद तो, फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब थी, किसी ख्याल ने एहसास को झिझोड़ा था, क्या बात है, फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब थी, किसी ख्याल ने एहसास को झिझोड़ा था,
और शेर देखिए कि तमाम उम्र भटकते रहे थे वहशत में, तमाम उम्र भटकते रहे थे वहशत में, बस एक मर्तबा हमने हिसार तोड़ा था। मुझे लगता है ये शेर पीछे तक पहुंचा नहीं जो यंगस्टर्स, हिसार का मतलब होता है एक सर्कल, कि तमाम उम्र भटकते रहे थे वहशत में, तमाम उम्र भटकते रहे थे वहशत में, बस एक मर्तबा हमने हिसार तोड़ा था, घेरा तोड़ा था, घेरा तोड़ा था। अच्छा हाँ वही घेरा तोड़ा था, आलोक भाई ने उसको और सिंपलीफाई कर दिया कि तमाम उम्र भटकते रहे थे वहशत में, बस एक बार हमने हिसार तोड़ा था और बिखर गए थे मेरे गिर्द दर्द के सिक्के। आलोक भाई देखिएगा कि बिखर गए थे मेरे गिर्द दर्द के सिक्के, तुम्हारी याद की गुल्लक को रात तोड़ा अरे था। वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तुम्हारी याद की गुल्लक को रात तोड़ा था, और ये शेर आधी आबादी के नाम कि वजूद रखना था अपनी शनाख्त खोकर भी, हमारी बहनें जो आगे बैठी हुई हैं, कि वजूद रखना था अपनी शनाख्त खोकर भी, नदी ने खुद को समंदर की सिमत मोड़ा था, जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था, हमारी प्यास ज्यादा थी पानी थोड़ा था। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शानदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बहुत ही शानदार पढ़ा। देखिए पहले तो तालियां थमनी नीचे, और अब आप स्वागत कीजिए प्रोफेसर संगीत रागी जी का। इन्हें आप अक्सर टीवी में देखते हैं, अलग अलग चर्चाओं में भाग रखते हैं, बात जो है भाग लेते हैं, लेकिन आज एक कवि के रूप में इस मंच पर ये उपस्थित हैं संघ की विचारधारा के साथ। पले भड़े रागी टेलीविजन पर चर्चाओं में अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। अंग्रेजी में आरएसएस एंड गांधी, द आइडिया ऑफ इंडिया, द प्यूरिटन ऑफ पॉलिटिकल मैपिंग इस्लामिक रेडिकलिज्म पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रागी, जो इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर भी हैं, उस विभाग में पढ़ाते भी हैं, और लगभग ढाई दशक से ज्यादा समय से शिक्षण जो उनका शिक्षण काल है वो चल रहा है, इसमें लोक प्रशासन, भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीतिक चिंतन का इन्होंने अध्यापन किया है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जातीय संघर्ष और राष्ट्रवाद उनके शोध का क्षेत्र है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चयनित कार्य परियोजना में एक सलाहकार की भूमिका के अलावा वो प्रधानमंत्री संग्रहालय परियोजना के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित सामग्री समीक्षा समिति के सदस्य भी हैं, और उनके लेख और विचार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पुस्तकों और शोध पत्रिकाओं में व्यापक रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम इनकी लिखी हुई कविताओं को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले इनका एक कविता संग्रह आया है, उस कविता संग्रह के बारे में हम चाहते हैं कि संगीत रागी जी खुद आपको बताएं। मुझे ब्यूरोक्रेट की तरह कुर्सी पर बैठने की आदत नहीं है, तो हमारा मंच यही है, हमारा दाना पानी यहीं से निकलता है। तो मैंने पुस्तक की भूमिका, बहुत सुंदर भूमिका ओम जी ने लिखी है, और मैं उसके लिए उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे तो कहा जाता है कि कविता जो है वो एक साधना का पथ है, बहुत प्रयास के बाद उसमें सिद्धि मिलती है। मेरा अनुभव तो ऐसे ही रहा है कि कविता लिखी नहीं जाती है, कविता उतर जाती है, और दुनिया की जितनी भी अच्छी रचनाएं हैं वो आवेग के क्षण में प्रकट होती हैं, चाहे वो आवेग कष्ट के कारण हो, आप दुख में बहुत हैं तब आपका दर्द निकलता है, वाल्मीकि ने देखा और कोमल हृदय से रचना कर डाली, या आप बहुत खुशी के पल में होते हैं तब आपके हृदय से रचना निकलती है। तो स्कूल के दिनों से जब जब कुछ कुछ कहीं कहीं पंक्ति आ जाती थी दिमाग में, जैसे कहा ना कि हवाई जहाज में जा रहे हैं, तो एक मन में आया कि अरे भाई सुनता था बादल के ऊपर वह रहता है, और हम तो पूरे 32,000 फीट ऊपर तक घूम करके आ गए, मुझे कहीं ईश्वर नहीं दिखाई दिया, कहीं स्वर्ग नहीं दिखाई दिया,
तो एकाएक आई तो एकाएक कविता उतर आई, तब तक मेरे बगल में बैठे हुए पॉलिटिशियन साथ जा रहे थे, उन्होंने कहा आप क्या काम कर रहे हैं इसमें, मैंने कहा वो काम कर रहा हूँ जो आप नहीं करते हैं। और जब दिल्ली लौटा तो मैंने उनको अपनी कविता सुना दी, और इसी प्रयास में एक कविता संग्रह जो है वो निकल करके आई, और मैं इसके लिए साहित्य आज तक का बहुत बहुत आभारी हूँ, जयप्रकाश जी का, संजीव पाल जी का, नितिन का, इन सब ने बड़ा प्रयास किया है। जब ये जाते थे तो ये शायद कवियों के साथ दिक्कत क्या है कि वो जो नहीं चाहता है सुनना उसको भी वो बड़े परेशान करके सुनाते हैं, और जब तक वो वाहवाही नहीं कर दे, जब तक आपकी दाद नहीं दे दे, तब तक हम उसे पिंड नहीं छोड़ते हैं। तो मैं भी आपका वो मैं आपको प्रताड़ित करूंगा, और प्रताड़ित ना हो आप इसके लिए ताली बजाइएगा जरूर, क्योंकि ये नहीं है, ये आपने ताली बजाई तो मैं लगातार आपको प्रताड़ित करता रहूंगा। ये मुझे लगता है साहित्य की सभा में, मैं पहले केएम कॉलेज में हिंदी दिवस हुआ करता था और विश्व हिंदी संवाद केंद्र के तरफ से तब मैं जाता था, लेकिन इतने बड़े मंच पर पिछले चार साल से, मैं पांच साल से साहित्य आज तक में आता रहा हूँ, हर बार कभी इरफान हबीब के साथ मेरा डिस्कशन होता था, कभी किसी और के साथ डिस्कशन होता था, इस बार इन्होंने कहा कि इस बार कविता ही आप करें, तो मैं कुछ बिना, चूंकि और भी लोग हैं तो बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे लूटे पीटे लोग हैं यहाँ पे जो अपने उम्र में लूटे पीटे होंगे, उन सबों को ये सुपुर्द करता हूँ, और यदि लगता है कि मेरी आवाज या मेरा संदेश आप तक जा रहा है और आपसे भी टकरा रहा है कहीं पे, तो आप तालियों से मुझे नवाजिएगा। छोटे छोटे मुक्तक के बाद फिर मैं एक दो गजल आपको सुनाऊंगा। हम जो दो घड़ी उन, कई बार अभी हर कवि अपने अपने जो आसपास के दीवारें होती हैं, चौहद्दी होती है, उसी में से कुछ उठाता है। तो हम लोग हॉस्टल में रहा करते थे, तो हॉस्टल में कोई यदि आ गई महिला या लड़की आ गई तो उसके बाद लोग ऐसे चौकन्ने होकर के देखते थे जैसे लगता है पता नहीं क्या हो गया है। तो वहीं मेरे कविता निकल करके आ गई, उसको बाद में धीरे धीरे होता है कि आदमी उसको डिकोड करता है, कोडिंग। तो आप जरा अपने आप को देखिएगा, जो लोग हॉस्टल में रहे हैं या जो नितीश्वर वगैरह, तो हम लोग आस पड़ोसी रहे हैं, हम दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट किए हैं रामज से, तो इनके यहाँ भी वही दुर्दशा थी जो हमारे हॉस्टल की दुर्दशा थी। तो मैं आपको एक सुना रहा हूं। हम जो दो घड़ी उनसे मुस्कुरा लेते हैं, हम जो दो घड़ी उनसे मुस्कुरा लेते हैं, लोग बात की बात बना लेते हैं। हम जो दो घड़ी उनसे मुस्कुरा लेते हैं, लोग बात की बात बना लेते हैं, हाथ में डाल के हाथ निकले क्या से क्या वो अंदाज लगा लेते हैं, हाथ में डाल क्या हाथ निकले क्या से क्या वो अंदाज लगा लेते हैं। बाकी लाइनें नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आपको उसके लिए किताब मेरी खरीदनी पड़ेगी। कई बार लोग कहते हैं कि भाई जो है ये कहाँ इस दुनिया में प्रवेश कर गए, ये इश्क उश्क में अपना जो है वो समूचा मिटाते चल रहे हो, अपना समय गवाते चल रहे हो। हम कहते हैं बड़ा समृद्धशाली संसार है, जो इसमें नहीं डूबा, जैसे वो ना बिना अधर थामे मधु प्याला तिक्त गलत कैसे कहते हो, सुना कभी संगीत जीवन का, सुना कभी है रीत जीवन का, आओ बादल की धड़कन में सुन ले थोड़ा हम भी सबक ले, लोट लोट रेतों में कभी हम पगडंडी पर साथ चलेते हैं, हंसना गाना खाना सहता शाखाओं पर साथ झूलेते, अब कैसे दीवार रहने दे जब भी यौवन प्रीत जमा है, इन बादल से उमड़ घुमड़ कर आओ हम तुम साथ ठुमक लें। तो ये उससे एक प्रेरणा मिली और मुझे लगा, तो मैं बार बार ये कहता हूं, मैं मिटा तो क्या मिटा, एक से एक ऋषि और महर्षि, पराशर से लेकर के विश्वामित्र तक सब इसमें डूबे हैं, तो मैं कोई अकेला नहीं हूं, और मेरे जैसे हमेशा डूबते रहते हैं। तो मैंने इस पे एक छोटी सी एक टिप्पणी करते हैं, मैं मिटा तो क्या मिटा, किसकी है गरिमा बच गई, मैं मिटा तो क्या मिटा,
किसकी है गरिमा रह गई, इस लहर स्पर्श में सबकी ही मिट्टी मिल गई। सुंदरता वलिवेदी पर शीशों के फूल चढ़े हैं, सुंदरता वलिवेदी पर शीशों के फूल चढ़े हैं, मिट्टी में महल मिलाकर अनगिनतों धूल गढ़े हैं। कई लोग बर्बाद हो गए इसके चक्कर में, मैंने उसी को लिखा। और एक टिप्पणी, थोड़ा सा जरा सा दूसरी दुनिया में आपको लाता हूं। आईना देख देख खुद को जवान करते हैं, आईना देख देख खुद को जवान करते हैं, हुस्न को यूं बेलगाम करते हैं। कत्ल करना हो तो कोई उनसे सीखे, कत्ल करना हो तो कोई उनसे सीखे, वो जो हंस हंस तमाम करते हैं। आईना देख देख खुद को जवान करते हैं, हुस्न को यूं बेलगाम करते हैं, कत्ल करना हो तो कोई उनसे सीखे, वो जो हंस हंस तमाम करते हैं। और एक छोटी सी एक और टिप्पणी करूं, फिर एक व्यंग पढ़ूंगा, उसके बाद में आजकल सत्ता पक्ष है और बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस वो सारे लोग एक धारे में आजकल बहना शुरू कर दिए हैं, तो जरा उस व्यंग की एक छोटी सी टुकड़ी आपको मैं आपको सुना रहा हूं। टिड्डियों की तरह वो छा गए हैं, ओम जी जरा ध्यान रखिएगा और आज के राजनीतिक परिवेश में उसको जरा सा सोचिएगा। टिड्डियों की तरह वो छा गए हैं, बहुत से बाल स्वयंसेवक आ गए हैं। टिड्डियों की तरह वो छा गए हैं। आज के दिन में हर आदमी कहता है मैं तो संघ की शाखा से जुड़ा हुआ था, मेरे पिताजी के पिताजी, मैं तो पता नहीं बाल उम्र से था। टिड्डियों की तरह वो छा गए हैं, बहुत से बाल स्वयंसेवक आ गए हैं, समय के नब्ज के माहिर खिलाड़ी बदलते चाल के अद्भुत जुआरी, समय के नब्ज के माहिर खिलाड़ी बदलते चाल के अद्भुत जुआरी, विचारों के नए घुसपैठी आए घर को अंदर अंदर खा गए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बदलकर भेषभूषा कुटिल वाणी, बहुत बढ़िया। बदलकर भेषभूषा कुटिल वाणी, परिक्रमा आरती पे निपुण ज्ञानी, केचुल छोड़कर रहना हो तो कोई इनसे सीखे, केचुल छोड़कर रहना हो तो कोई इनसे सीखे, समय के साथ जो बहना तो कोई इनसे सीखे। क्या बात है। विचारों के नए बहरूप ये घर के दीवारों को दरका गए हैं, टिड्डियों की तरह वो छा गए हैं। बहुत बढ़िया। एक मैं अपने ऊपर, आप तो प्रशंसा करेंगे नहीं, इनके एंकर भी मेरी प्रशंसा नहीं करते हैं, कहते हैं बहुत खूबसूरत बड़े, तो मैं बार बार अपना परिचय अपने देता हूं। मुझमें न जटिल कोई दर्शन है, सीधा हूं यही आकर्षण है। क्या बात है, बहुत शानदार। मुझमें न जटिल कोई दर्शन है, मेरे पास उर्दू के उतने शब्द भंडार नहीं है जो पवन जी के पास हैं, तो मैं तो उनके उर्दू के शब्द को उसको ध्यान रख करके आत्महीनता का गौरव अनुभव कर रहा था अंदर से। काश ये इतना संपदा संपन्न मैं भी होता तो मैं कुछ और हुआ था। एक मैं अपने ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं, आप उसे जोड़ के देखिएगा। एक कविता है, मैं सिस्टम में अपने आप को फिट नहीं बैठता, और मेरे जैसे आदमी को कोई सिस्टम अपने आप को एक्सेप्ट भी नहीं करता। जब बाजार में आप बिकने की वस्तु बन जाएं तो आपको सब कोई खरीदता है, लेकिन आप बिकने के लिए तैयार नहीं हो तो आपके लिए जीना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत गहरी बात, बिल्कुल सही बात, बहुत मुश्किल होता है जी। तो एक कविता मैं पढ़ रहा हूं। तनकर चलना तनकर जीना साधारण है कोई बात नहीं, तनकर चलना तनकर जीना साधारण ये कोई बात नहीं, मरुस्थल में जीने जैसा यह बस कोई जज्बात नहीं। जो पांव पर लोटे फिरते
जो पांव पर लोटे फिरते कुछ पाने की अभिलाषा में, जो जोड़े हाथ खड़ा रहते नतमस्तक हो कायरता में, जो पांव पर लोटे फिरते कुछ पाने की अभिलाषा में, जो जोड़े हाथ खड़ा रहते नतमस्तक हो कायरता में, वो क्या जाने जो कदम चूमते दरबारी हो चारण हो, क्या वो क्या जाने जो कदम चूमते दरबारी हो चारण हो, तनकर चलना तनकर रहना ये हर के बस की बात नहीं, तनकर चलना ये तनकर रहना, बहुत ही अच्छे, बहुत तालियां हो जाए, बहुत ही अच्छा। मैं भी उनसा ही हो जाऊं, मैं भी उनसा ही बन जाऊं, मैं भी उनसा ही बिक जाऊं, मैं भी उनसा ही बन जाऊं, मैं भी उनसा ही बिक जाऊं, मैं करूं चाकरी उनसा ही, मैं करूं चाकरी उनसा ही, मैं भी नतमस्तक गुनगाऊं, वही साष्टांग करते फिरते जिन पापों पर विश्वास नहीं, तनकर चलना तनकर जीना ये सबके बस की बात नहीं। गहरी बात है, बहुत शानदार। एक आपको एक कविता सुनाता हूं, सपनों की उम्र नहीं होती, सपनों की उम्र नहीं होती, रिश्तों में गणित नहीं होता, सपनों की उम्र नहीं होती, आजकल तो गणित ही होता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, आजकल तो आपके संबंध और हमारे संबंधित गणितीय समीकरण पे होते हैं कि मुझसे आपका क्या फायदा है, आपका मुझसे क्या फायदा है, ये पूरा का पूरा बीज गणित होता है जिसमें हम सब जीते जी रहे हैं। मैं थोड़ा सा अलग बोल रहा हूं, सपनों की उम्र नहीं होती, रिश्तों में गणित नहीं होता, अंदर से कुछ बाहर से कुछ मुझसे तो यही नहीं होता, सपनों की उम्र नहीं होती, बहुत बढ़िया, रिश्तों में गणित नहीं होता, अंदर से कुछ बाहर से कुछ मुझसे तो यही नहीं होता, मैं अपने मन की बात कहूं, मैं अपने मन की बात कहूं, डर डर कर क्यों जीवन जीऊं, है तो विकल्प चुपचाप रहूं, है तो विकल्प चुपचाप रहूं, अंदर से घुट घुट रोज मरूं, सच मैं तो लेकिन बोलूंगा, सच मैं तो लेकिन बोलूंगा, चुप ही तो नहीं रहा जाता, अपनों की उम्र नहीं होती, रिश्तों में गणित नहीं होता, अंदर से कुछ बाहर से कुछ मुझसे को यही नहीं होता। बहुत शानदार, तालियां। मैं नहीं कोई संवेदना शून्य, मैं नहीं कोई संवेदना शून्य, अक्षय अपना प्रताप पुण्य, खूंटे से बंधा हुआ जंतु या लाश नहीं जिंदा कोई, मैं निश्चल निर्मल मुक्त नाद, मैं निश्चल निर्मल मुक्त नाद, सच खुद भी खुद निकल जाता, मुझसे तो यही नहीं होता, मुझसे तो यही नहीं होता। क्या बात है। एक छोटी और दो कविता बना करके और विदा लूंगा आपसे। ये आप सब, आप इसे जीवन में जोड़ करके आप देख सकते हैं और ये हम सब पर लागू है, यदि ये बात आप तक जाए तो आप दाद देंगे। मैं जग को पहचान न पाया, मैं जग को पहचान न पाया, भावुकता बस मुझे बहाया, भावुकता बस मुझे बहाया, लूटा फिर कंगाल बनाया, भावुकता बस मुझे बहाया, लूटा फिर कंगाल बनाया, जब तक था जीवन का पानी अपनापन का लोभ सजाया, मैं जग को पहचान न पाया। आप तभी तक आप उस आप आपके पास है कोई, जब तक आपके जीवन में पानी है, जब तक आप में सामर्थ्य है, जब तक आप सामर्थ्य की पूंजी है और आप किसी को कुछ दे सकते हैं। अब आगे की लाइन पर सोचिएगा, रूप जाल का ऐसा था भ्रम, रूप जाल का ऐसा था भ्रम, दोष नहीं कुछ मेरा भी कम, रूप जाल का ऐसा था भ्रम, दोष नहीं कुछ मेरा भी कम, भीतर का सौंदर्य ने देखा, बाहर पर सब प्यार लुटाया, मैं जग को पहचान न पाया। बहुत ही गहरी लाइन, बहुत बढ़िया। निज हेतु सम्मान न मांगा, निज हेतु सम्मान न मांगा, जग से कोई प्रतिदान न मांगा, निज हेतु सम्मान न मांगा, जग से कोई प्रतिदान न मांगा, मेरी हरी करनी का उसने, मेरी हर करनी का उसने, हरदम उल्टा अर्थ लगाया, मैं जग को पहचान न पाया। क्या बात है। कैसे अपनी मन की खोलूं,
कैसे अपने मन की खोलूं, किससे अपनी पीड़ा खोलूं, बोलूं लुटा उसी मंदिर में जाके, लुटा उसी मंदिर में जाके जहां आरती थाल सजाया मैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक सेकंड खत्म कर रहा हूं। एक दो और आपको सुना तू, उसके बाद समय हो रहा है। अच्छा, एक दो टुकड़ी सुना करके मैं बैठता हूं। मैं तुम्हें कैसे भुला दूं, मैं तुम्हें कैसे भुला दूं? आप जरा शब्द पर गौर कीजिएगा। मैं तुम्हें कैसे भुला दूं, एक टूटता एक बनता, एक टूटता एक बनता क्रम यही दिन रात चलता, एक टूटता एक बनता क्रम यही दिन रात चलता, स्वप्न का सौंदर्य अपना निंद को कैसे जगा दूं, मैं तुम्हें कैसे भुला दूं। क्या बात, बहुत बढ़िया। ईंट पर एक ईंट रखा, ईंट पर एक ईंट रखा, प्रीत को इस तरह सींचा, भावना के जोश में मंदिर को हो कैसे गिरा दूं, मैं तुम्हें कैसे भुला दूं, मैं तुम्हें कैसे भुला दूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं। रागी सर का ये रूप बहुत कम लोगों ने अभी देखा होगा, कितने शानदार कवि भी हैं, इतने अच्छा लिखते हैं, लिखते तो हैं, इनकी पुस्तकें तो लिखी है, बट शायरी आपने सुनेगी, कविता उनकी आपने सुनी। और अब मैं आलोक यादव जी से आग्रह करूंगा कि अब आप माइक था में। अच्छा, नौजवानों से मत करो तकरार, ये लहू में उबाल रखते हैं। ये आलोक यादव जी की पंक्तियां हैं, जो कि भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, पर बकौल फरहत एहसास आलोक जी के जीवन में शायरी अफसरी से पहले आई और फिर आती चली गई। कविता का शौक उन्हें स्कूल में लगा, बाद में पढ़ाई के दौरान वो लखनऊ में आकाशवाणी और अनेक पत्र पत्रिकाओं से जुड़े। कविता के अलावा कहानी और लेख भी इन्होंने लिखे और यही क्रम प्रयागराज इलाहाबाद में चलता रहा। आलोक जी की शायरी दर्द के साथ जीना सिखाती है, दर्द को सहाना सिखाती है। चर्चित गजल संकलन कलम जिंदा रहेगा प्रकाशित हो चुका है, कई मंचों पर प्रस्तुति दे चुके हैं और अब हम सुनेंगे आलोक यादव जी को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ बिना किसी भूमिका के, समय बहुत हो गया है, हमारे पास बहुत थोड़ा समय है और आपका भी ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। एक मतलब एक शेर सुने कि अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूं, थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं, थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं, एक कांधा करता मौला की रोना चाहता हूं। एक मतलब एक शेर और सुने आपके मतलब का होगा, क्योंकि चाय सबको पसंद है, चाय पे एक मतलब के डाली है उसने कप में मेरे चाय ज्यादा, डाली है उसने कप में मेरे चाय ज्यादा, कुछ देर ताकि वक्त ठहर जाए ज्यादा। क्या बात है, डाली है उसने कप में मेरे चाय ज्यादा, कुछ देर ताकि वक्त ठहर जाए ज्यादा। यहाँ चाय पीने वाले है नहीं लगता है, अच्छा पीछे थे, ओके। और इस मतला के साथ एक शेर है कि मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की, मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की, उनको भी आए शर्म मगर आए ज्यादा। आहा, क्या बात है, क्या बात है, वाह। एक मतला एक शेर और सुने फिर उसके बाद एक गजल। मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। क्या बात है, आहा। और राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में फिक्रे उछाले जाएंगे। क्या बात है सर, बहुत 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 खूब,
और इसी गजल का एक शेर और है कि मोहब्बत के नाम, दो शेर हैं यहाँ पे, बहुत सारे युवा साथी हैं, संगीत रागी साहब ने तो मोहब्बत पे पूरा व्याख्यान दे दिया, मैं दो शेर में अपनी बात कहता हूँ कि हम प्रोफेसर हैं ना आप, और आपने तो बाकायदा फ्लैग लगा रखे थे किताब में, जैसे प्रोफेसर नोट बना के लाते, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत अच्छा सुना रहे थे आप, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके भी। शेर यह है कि दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। क्या बात, दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। और ये शेर है कि प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। और इस गजल का एक शेर दोस्तों के नाम भी है कि कब तलक भरते रहे दम दोस्ती का आपकी, रागी साहब, कब तलक भरते रहे दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे। तालियां होनी चाहिए, क्या बात है, बहुत। कब तलक भरते रहे दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक नई गजल, ताजा गजल, ये गजल जो अभी तक मैंने सुनाई, जो शेर सुनाए वो बहुत सारे मंचों पे मैं सुना चुका हूँ, मुझे लगा कि शायद आपने नहीं सुने होंगे इसलिए सुना दिया। एक ताजा गजल के कुछ शेर, गजल यूं है कि ये फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी, फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी, जब परिंदों के बिलगने की सदा आई थी। आहा, क्या बात है, क्या बात। फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी, जब परिंदों के बिलगने की सदा आई थी। शेर यह है कि इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं, इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं, मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी। आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार। मैंने एक बार तेरी झूठी कसम, क्या बात है। अशेर ये भी है कि बन के जंजीर मेरे पांव में वो रहती है, बन के जंजीर मेरे पांव में वो रहती है, मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी। आहा, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। बन के जंजीर मेरे पांव में वो रहती है, मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी, मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी। क्या बात है, आहा, बहुत ही बढ़िया। उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी, मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, वो दबे पांव बराबर से गुजर जाता है, वो दबे पांव बराबर से गुजर जाता है, गो कि उससे मेरी बरसों की शनासाई थी। क्या बात है? शनासाई मतलब दोस्ती, जान पहचान। वो दबे पांव बराबर से गुजर जाता है, गो कि उससे मेरी बरसों की शनासाई थी, और वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, मनोज भाई, वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी। बहुत ही वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी। और एक गजल के कुछ शेर के, लबों पे मांगे की मुस्कुराहट नहीं चलेगी, लबों पे मांगे की मुस्कुराहट नहीं चलेगी, कि असल शय में कोई मिलावट नहीं चलेगी, लबों पे मांगे की मुस्कुराहट नहीं चलेगी, कि असल शय में कोई मिलावट नहीं चलेगी, तुम्हारे माथे पे जो है सलवट नहीं चलेगी, तुम्हारे माथे पे जो है सलवट नहीं चलेगी, यहां बगावत की कोई आहट नहीं चलेगी। आहा, क्या बात है, यहां तुम्हारे माथे पे जो है सलवट नहीं चलेगी,
यहां बगावत की कोई आहट नहीं चलेगी, नहीं चलेगा ये दुनियादारी का दिखावा, नहीं चलेगा ये दुनियादारी का आप दिखावा। ये खुश्क लब हैं, यहां तरावट नहीं चलेगी, नहीं चलेगा ये दुनियादारी का आप दिखावा। ये खुश्क लब हैं, यहां तरावट नहीं चलेगी, हमें तो भाती हैं जुगनुओं की चमकती शामें, हमें तो भाती हैं जुगनुओं की चमकती शामें। ये तेज बिजली की जगमगाहट नहीं चलेगी, बहुत ही बढ़िया। हमें तो भाती हैं जुगनुओं की चमकती शामें, ये तेज बिजली की जगमगाहट नहीं चलेगी। चलाना है तो चलाओ आंधी हमारे घर में, चलाना है तो चलाओ आंधी हमारे घर में, ये धीमी धीमी सी सरसराहट नहीं चलेगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलाना है तो चलाओ आंधी हमारे घर में, ये धीमी धीमी सी सरसराहट नहीं चलेगी। बहुत गहर, बहुत ही बढ़िया। और मियां बीबी का एक शेर है इस गजल में, आप लोगों का काम आ सकता है, कि मैं अपनी फितरत तुम्हारी आदत को जानता हूं, मैं अपनी फितरत तुम्हारी आदत को जानता हूं, बहुत दिनों तक तो तुमसे खटपट नहीं चलेगी। क्या बात है। मैं अपनी फितरत तुम्हारी आदत को जानता हूं, बहुत दिनों तक तो तुमसे खटपट नहीं चलेगी। राजीव की नई नई शादी हुई है अभी चार दिन पहले ही, चार दिन हो गए जी सर, और बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो खटपट खटपट चल होगी तो उसके बाद फिर नहीं चलेगी। तो ये दोस्तों की है बस मियारो, सो खुल के बोलो, ये दोस्तों की है बस मियारो, सो खुल के बोलो, किसी के कानों में फुसफुसाहट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बात है, ये दोस्तों की है बस मियारो, सो खुल के बोलो, किसी के कानों में फुसफुसाहट नहीं चलेगी, यहां चलेगी तो सिर्फ बूटों की गुरगुराहट, यहां चलेगी तो सिर्फ बूटों की गुरगुराहट, ये सूखे पत्तों की चरमराहट नहीं चलेगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यहां चलेगी तो सिर्फ बूटों की गुरगुराहट, ये सूखे पत्तों की चरमराहट नहीं चलेगी। हैं हम तो आदि तुम्हारे लहजे में तलखियों के, हैं हम तो आदि तुम्हारे लहजे में तलखियों के, ये नरमियों की नई घुलावट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। हैं हम तो आदि तुम्हारे लहजे में तलखियों के, ये नरमियों की नई घुलावट नहीं चलेगी। है हाँ, दर्द सबका है, बड़े नेता को बड़े नेता का दर्द भी यही होता है, उससे बड़े नेता का। और आखिर में दो तीन शेर और के, हाँ, जो बड़ा है उसका सबका कोई ना कोई बड़ा है। ये शेर ये है कि नहीं है सब हमारे यार झूठे, ये भी राजनीति का शेर है, ले जाइए। नहीं है सब नहीं है सब हमारे यार झूठे, यही होंगे कोई दो चार झूठे। क्या बात है। नहीं है सब हमारे यार झूठे, यही होंगे कोई दो चार झूठे, उठाकर हाथ में गंगा जली को, उठाकर हाथ में गंगा जली को, कसम खाते रहे हर बार झूठे। क्या बात है। उठाकर हाथ में गंगा जली को, कसम खाते रहे हर बार झूठे, जो बातों के बताशे फोड़ते हैं, जो बातों के बताशे फोड़ते हैं, वो होते हैं अमूमन यार झूठे। क्या बात है सर, जो बातों के बताशे फोड़ते हैं, वो होते हैं अमूमन यार झूठे। और अखबार का शेर है कि खबर जख्मी इधर थी कागजों पर, खबर जख्मी इधर थी कागजों पर, उधर छपते रहे अखबार झूठे। क्या बात है। खबर जख्मी इधर थी कागजों पर, गहरी बात है, बहुत बढ़िया। उधर छपते रहे अखबार झूठे, उसे मिलता भला इंसाफ कैसे। वकील साहब बैठे हैं हमारे सामने, उसे मिलता भला इंसाफ कैसे, गवाही दे रहे थे चार झूठे। आहा, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। उसे मिलता भला इंसाफ कैसे, गवाही दे रहे थे चार झूठे, और इसके बरक्स एक शेर के, दलीलें सब हुई नाकाम उनकी, दलीलें सब हुई नाकाम उनकी, हुए साबित वो आखिरकार झूठे। क्या बात है, बहुत ही। दलीलें सब हुई नाकाम उनकी,
हुए साबित हुआ आखिरकार झूठे। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आप सबका और आप सबका बहुत शुक्रिया। क्या बात है यार, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और अब आप स्वागत कीजिए नीतीश्वर कुमार जी का। कवि हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में, और कह दो ना के लेखक। इनकी ही पंक्तियां पढ़ देता हूं आज्ञा के साथ। लिखो कि तुम हो हमारी तमन्ना, चिपका लबों पर तुम्हारा ही पन्ना, जिगर फेंकता है निगाहों से मरहम, तुम पास हो तो न कहना न सुनना। तो ये पंक्तियां नीतीश्वर कुमार जी की हैं। और उड़ने को उड़ जाए नभ में पर छोड़े नहीं जमीन कलम वाली, वैचारिक प्रतिबद्धता से भरपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी हैं, पर आपका मन कविता, कहानी, गीत, शायरी, गायन में गूंजता है। आपकी रचनात्मकता के कई बिंब हैं। बिहार के छोटे से शहर बेतिया में आप पैदा हुए, आपकी रुचि बचपन से ही गीत संगीत में रही और औपचारिक पढ़ाई के साथ साथ ये यात्रा चलती रही। पुराने और नए को जोड़ने का नीतीश्वर जी का अपना अलग ही अंदाज है। अमीर खुसरो हो या फिर रूमी, कुमार उनके गीतों अल्फाज को आज के नौजवानों की सोच से आप जोड़ देते हैं। तो जोरदार तालियां नीतीश्वर जी के लिए। बहुत धन्यवाद राजीव जी। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि आप इतने गुणी श्रोता हैं, आप यहाँ बैठ के कविता का आनंद ले रहे हैं, तो जोरदार तालियां बजाइए। तो इन तीन लोगों ने जो आपको इतनी अच्छी कविताएं सुनाई हैं, इसके लिए तालियां बजाइए। कहते हैं कि बड़ी लंबी है तेरे साथ, बड़ी लंबी है तेरे साथ तमन्नाओं की रात, बड़ी लंबी है तेरे साथ तमन्नाओं की रात, चांद निकला था घड़ी भर को बरसात के बाद। क्या बात है, बहुत। अगर अच्छा लगा तो जोरदार तालियां बजाइए, मुझे भी महसूस हो ना। इसी मिजाज में कुछ और कहता हूं कि मैं अंधेरे में तेरी तस्वीर को रंग देता हूं। अंधेरे में मैं अंधेरे में। यही मोहब्बत है। मैं अंधेरे में तेरी तस्वीर को रंग देता हूँ, लोग कहते हैं तेरा चेहरा है आफताब के बाद, बड़ी लंबी है तेरे साथ तमन्नाओं की रात। आइए कुछ और पंक्तियां सुनाता हूँ। और कहते हैं कि मुझसे मत पूछ मोहब्बत में क्या मिला मुझको, मुझसे मत पूछ मोहब्बत में क्या मिला मुझको, मैंने तो इश्क किया खाक हुआ क्या पता मुझको। क्या बात है। इसके बाद दो चार पंक्तियां और सुनाता हूं, फिर कुछ गीत सुनाऊंगा तरन्नुम में। कहते हैं कि ये साख है नई नई, साख ब्रांचेज को कहते हैं, ये साख है नई नई मोहब्बतों के नाम की, ये साख है नई नई मोहब्बतों के नाम की, तलाश थी बयार की अच्छा हुआ तू आ गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे कहते हैं कि कलम दवात न पास है, कलम दवात न पास है बची तो चंद सांस है, कलम दवात न पास है बची तो चंद सांस है, ख्वाबों के लिबास में तू आंख में नहा गई, तलाश थी बयार की अच्छा हुआ तू आ गई। बहुत ही बढ़िया, ये तालियां। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। एक गीत सुनाता हूँ, फिर एक समय होगा तो एक गणित में कैसे रोमांस होता है, वो गणित में रोमांस, गणित में गणित के शब्दों से रोमांस आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक गीत सुनाता हूँ। वो गणित वाली कविता आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि हिंदी में गणित के शब्दों को पकड़ना मेरे लिए भी बहुत कठिन था। दसवीं तक हमने भी गणित में हिंदी में पढ़ाई की है, बाद की सारी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई, तो मैं सारे शब्द भूल गया था। तो मैंने फिर जाके एनसीईआरटी की पुरानी
आठवीं नौवीं की गणित की हिंदी की किताबें पढ़ी, उन शब्दों को पकड़ा और फिर उसके बाद गणित के शब्दों से मैंने रोमांस क्रिएट किया है। वो दूसरी कविता आपको सुनाऊंगा, पहले गीत सुनाता हूं। आइए कहते हैं, तू जहां कहे चलेंगे, तेरी सांस से बंधेंगे, तू जहां कहे चलेंगे, तेरी सांस से बंधेंगे, तेरी सांस से बंधेंगे, नजरों से तू निकाह कर, नजरों से तू निकाह कर, काजी ये दिल कलमा पढ़े, जो नजर तू आज फेर दे, सांसों से अपनी घेर दे, जो नजर तू आज फेर दे, सांसों से अपनी घेर दे, सांसों से अपनी घेर दे, मैं घरों का साथ छोड़ दूं, मैं घरों का साथ छोड़ दूं, बस्ती मुझे बेघर कहे, नजरों से तू निकाह कर, काजी ये दिल कलमा पढ़े, ये जो सूरतें तमाम है, तू ही खास है बाकी आम है, ये जो सूरतें तमाम है, तू ही खास है बाकी आम है, तू ही खास है बाकी आम है, इन रंग भरूं रिश्ता करूं, इन रंग भरूं रिश्ता करूं, इब आशिकी में ये काम है, नजरों से तू निकाह कर, नजरों से तू निकाह कर, काजी ये दिल कलमा पढ़े। आगे जो पंक्तियां आएंगी उसमें एक शब्द आएगा खलिश, खलिश मतलब कसक, कसक को कहते हैं, तो कहते हैं, वो खलिश कहाँ चली गई, तेरे आने से उठी जो थी, वो खलिश कहाँ चली गई, तेरे आने से उठी जो थी, तेरे आने से उठी जो थी, ढूंढूं कहाँ उसको शहर, ढूंढूं कहाँ उसको शहर, दिल को अकेला छोड़कर, नजरों से तू निकाह कर, नजरों से तू निकाह कर, काजी ये दिल कलमा पढ़े। आगे एक शब्द आएगा तामीर, क्रिएट करना, बनाना। कहते हैं, नई मंजिले तामीर दूं, पतवार तेरी फेंक दूं, नई मंजिले
तामीर दूं पतवार तेरी फेंक दूं पतवार तेरी फेंक दूं यादों का बोझ तेरे लिए यादों का बोझ तेरे लिए घायल ये दिल कैसे चले नजरों से तू निकाह कर नजरों से तू निकाह कर काजी ये दिल कलमा पढ़े नजरों से तू निकाह कर काजी ये दिल कलमा पढ़े। बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गीत पसंद आया होगा। समय है अच्छा और मेरे हिस्से में जो हाँ गणित वाली पवन जी कह रहे हैं गणित वाली हाँ बहुत सारे लोग घबराते भी हैं गणित से वो घबराहट भी इसमें है घबराहट भी इसमें है। इस कविता की जो जो लाइनें हैं वो दरअसल मुझे ये महसूस हुआ कि गणित जो है जिससे अधिकांश जनता घबराती है बट हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो गणित के बिल्कुल पीएचडी हैं वो हमारी मोहतरमा है वो सामने बैठी है वो गणित में आईआईटी से भी पढ़ी हैं गणित की पीएचडी भी हैं तो मुझे लगा कि गणित में रोमांस कैसे क्रिएट हो सकता है और आज के शब्दों में वो मैंने कोशिश की है। सही बात। तो मुझे लगा कि शायद एक प्रयास करता हूं कि गणित के जो हिंदी के शब्द हैं हम सब ने गणित पढ़ा है और उन शब्दों को मैं आपको धीरे धीरे पहले याद करा देता हूं फिर उसके बाद कविता पढ़ूंगा। जैसे आपने इकाई दहाई सैकड़ा जिसको आज के बच्चे यूनिट में पढ़ते हैं यूनिट इकाई दहाई सैकड़ा वृत्त सर्किल बिंदु जो होता है पॉइंट होता है कर्ण की अंग्रेजी क्या होती है हाँ जी हाइपोटेन्यूज कर्ण कर्ण लंब आधार हाइपोटेन्यूज। तो ये ध्यान रखिएगा इस ये सब इस पंक्तियों में आएगा तो मैं इसलिए आपको सुनाता हूं कि विषयों में एक है विषयों में एक है यू नो मैथमेटिक्स। मैंने हिंदी और अंग्रेजी को मिलाने की कोशिश की है आज के दौर में कि विषयों में एक है यू नो मैथमेटिक्स तुमसे मोहब्बत कैन प्रूव इट जस्ट ब्लिंक इट। अच्छी लगी तो ताली बजाइए ताकि आपको और आगे मजा आएगा। हमने आज के बच्चों के आज के दौर में जो गाने लिखे जा रहे हैं बॉलीवुड में आप देखेंगे कि हिंदी के अंग्रेजी के शब्दों के बीच में जो फर्क है वो कई जगह खत्म हो रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि हिंदी हमारी देशज विदेशज इन सारी तत्सम तद्भव से हमेशा समृद्ध होती रही है और इसीलिए हिंदी के व्याकरण में हिंदी के शब्दावली में नए नए शब्द हमेशा आते रहते हैं। तो कहते हैं कि विषयों में एक है यू नो मैथमेटिक्स तुमसे मोहब्बत कैन प्रूव इट जस्ट ब्लिंक इट। और आगे कहते हैं कि तू ही इकाई तू ही दहाई तू ही इकाई तू ही दहाई अंकों ने गिनती तुमसे है पाई तू ही इकाई तू ही दहाई अंकों ने गिनती तुमसे है पाई आधा पौना मैं डेढ़ा सवाई आधा पौना मैं तू डेढ़ा सवाई तू जो घटी तो मैं शून्य में भाई तू जो घटी तो शून्य में भाई। आगे कहते हैं कि दो दो चार तेरी नजर से सीखा गिनती जो है दो दो चार तेरी नजर से सीखा शून्य बिना तो सौ भी फीका। खुद को शून्य कह रहा है और कह रहा है कि शून्य बिना तो सौ भी फीका दो दो चार तेरी नजर से सीखा शून्य बिना तो सौ भी फीका गोल गोल सा घूम रहा हूं बिंदु तू मैं वृत्त बना हूं लंब भी तू आधार भी तू कर्ण में तेरा प्यार भी तू। विषयों में एक है यू नो मैथमेटिक्स तुमसे मोहब्बत कैन प्रूव इट जस्ट ब्लिंक इट। आगे
आगे कहते हैं देखिए इसमें कुछ फिर शब्द आएंगे, मैं इसलिए बता दे रहा हूं। परिधि की अंग्रेजी क्या होती है? सरकमफेरेंस। पवन जी कह रहे हैं सरकमफेरेंस। साइन कॉस टैन याद होगा आपको। वृत्त चित्र जो होता है पाई चार्ट को वृत्त चित्र कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि तेरी हंसी और जुल्फ घनेरे, तेरी हंसी और जुल्फ घनेरे बने परिधि मुझको है घेरे, तेरी हंसी और जुल्फ घनेरे बने परिधि मुझको है घेरे, चाल तुम्हारी कमर मयारी साइन कॉस और टैन पे भारी। तेरी हंसी और जुल्फ घनेरे बने परिधि मुझको है घेरे, चाल तुम्हारी कमर मयारी साइन कॉस और टैन पे भारी, ख्वाबों में आती रोज हो मेरे, ख्वाबों में आती रोज हो मेरे वृत्त चित्र में बस तेरे ही चेहरे, ख्वाबों में आती रोज हो मेरे वृत्त चित्र में बस तेरे ही चेहरे। हम तुम विषम हैं जब तक अलग हैं, जब तक ऑड्स अलग होते हैं। तो कहते हैं कि ख्वाबों में आती रोज हो मेरे वृत्त चित्र में बस तेरे ही चेहरे, हम तुम विषम हैं जब तक अलग हैं, जुड़ने पे शम है क्या गुडलक है। मूलधन तू जब से बनी है, मूलधन तू जब से बनी है ब्याज चक्रवृद्धि सी अपनी छनी है, विषयों में एक है यू नो मैथमेटिक्स, तुमसे मोहब्बत कैन प्रूव इट जस्ट ब्लिंक इट। अब आखिरी जो है ये गणित का कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं है जो ये कविता लिख रहा है, उसे तो हिंदी आती है। अब उसे याद आ गया था कि मास्टर जी ने सिखाया था कि जब कोई थ्योरम प्रूव करना हो और कुछ नहीं आया तो लास्ट वाली लाइन जरूर लिख देना कि हैंस प्रूव्ड, याद होगा आपको, याद होगा कि हैंस प्रूव्ड। तो अब देखिए इसमें कुछ शब्द आएंगे, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। अंतःकोण, जो त्रिभुज के अंदर इंटरनल एंगल होता है उसको अंतःकोण कहते हैं। आयत की अंग्रेजी आप समझते होंगे, रेक्टेंगल को आयत कहते हैं, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं और पैरेलल को समानांतर कहते हैं। तो आखिरी में जो बातें प्रूव करना है कि मोहब्बत तुमसे है, कविता की शुरुआत ऐसे हुई थी कि प्रूव करना है कि तुमसे मोहब्बत है। तो कहते हैं कि ताड़ू मैं तुझको यूं घूर घूर कर, ताड़ू मैं तुझको यूं घूर घूर कर त्रिभुज के अंतःकोण समझ कर, ताड़ू मैं तुझको यूं घूर घूर कर त्रिभुज के अंतःकोण समझ कर, आयत या वर्ग मुझको बना ले आंखों में मुझको बस तू बसा ले, आयत या वर्ग मुझको बना ले आंखों में मुझको बस तू बसा ले, नजर सांस समानांतर होंगे, नजर सांस समानांतर होंगे अपने जिस्म बेअंतर होंगे। अब देखिए प्रूफ करने वाला आ गया है, वो चार लाइन में कैसे वो झटपट कुछ भी ना समझे प्रूफ करेगा, मैं भी उसी तेजी में प्रूफ करूंगा, तो आप पकड़ना होगा तो पकड़ लीजिएगा कि हमने गलती कहां की है। ताड़ू मैं तुझको यूं घूर घूर कर त्रिभुज के अंतःकोण समझ कर, आयत या वर्ग मुझको बना ले आंखों में मुझको वस्तु बसा ले, नजर सांस समानांतर होंगे अपने जिस्म बेअंतर होंगे, मान लिया कि मान लिया बस बिंदु हो तुम बिंदु बिंदु से रेखा भी तुम, मान लिया बस बिंदु हो तुम बिंदु बिंदु से रेखा भी तुम, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, प्रूवन वी आर मेड फॉर ईच अदर। बीच के सारी चीजें मैंने गायब कर दी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था थ्योरम हैंस प्रूफ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आज तक के इस मंच को, बहुत प्रणाम। तालियां हो जाएं। अब पुस्तक का यहां पर विमोचन होना है और मैं चाहता हूं कि जो प्रकाशक है वो भी मंच पर आ जाएं। संगीत हाँ जी, ओम जी प्लीज आप भी मंच पर आए, और संगीत जी की लिखी हुई है पुस्तक को प्लीज इसके बारे में बताएं कि कहां से लोग इसे खरीद सकते हैं। जी जी, माइक माइक है। यह पुस्तक है, सर के कविताओं का संकलन है, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, और ये किताब उपलब्ध है सर्वभाषा ट्रस्ट के स्टॉल पर, कविता प्रेमी वहां पहुंचे और किताब ले सकते हैं। धन्यवाद, पुस्तक जरूर खरीदनी आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। हाँ बिल्कुल, ये तो आप ही की है।